नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग के चित्रकला विषय के टॉपिक्स पे। अब तक हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि चित्रकला के तत्वों के बारे में। तो चित्रकला के तत्वों के बारे में मैंने बताया, चित्रकला के 6 तत्व हैं। उससे पहले हमने जिला ललित कला फाइन आर्ट्स के बारे में चर्चा करी थी, कला की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करी थी, और अब आज हम जैसे चर्चा करेंगे चित्रकला के तत्वों के बाद में अलग अलग जो तत्व थे, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, स्पेस, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से विस्तृत से चर्चा अलग अलग टॉपिक पे इनके पूर्व वाड़ों में हम कर चुके। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य जो टॉपिक है लोक कला। लोक कला यानी जिसको भी बोलते हैं अंग्रेजी में फोक आर्ट। तो ये फोक आर्ट क्या है, लोक आर्ट क्या है, इसके बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। लोक कला जन साधारण की भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। सभ्यता के विकास के क्रम में जहाँ एक ओर वह आदिम कला से जुड़ी रही है, वहीं दूसरी ओर सुसंस्कृत कला के मध्य स्थित रही है। इस कला को मुख्यतः ग्रामीण जनता से संबंधित किया जाता है या माना जाता है, क्योंकि वस्तुतः इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे ग्रामीण जनता ने ही किया है। जो गांव के अंदर लोक जनमानस है उन्होंने ही किया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से अपनी परंपराओं को प्राप्त हुई यह लोक कला आज भी हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की परंपराओं के साथ संबद्ध होकर हमारे बौद्धिक धरातल को स्पर्श किए बिना हमारे आंगन में, हमारे जनमानस में पलती हुई आगे बढ़ती रही है। अब लोक कला कला सदैव लोकमानस से प्रेरणा और पोषण प्राप्त करती रही है। यानी कि जो लोकमानस है, लोक जनजीवन है, ग्रामीण जनजीवन है, आदिवासी से अलग है, ग्रामीण जनजीवन है, तो इन लोग जो यहाँ के जो लोक मानस है, लोग उनसे प्रेरणा और पोषण प्राप्त करती रही है, जिसमें जनसाधारण के सहज आनंद से परिपूर्ण, सरल, स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें इस कला में लोक मानस से प्रेरित होती हुई है, जनमानस से प्रेरित होती हुई कला है, जिसके अंदर सहज आनंद से परिपूर्ण, सरल और स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। अतः यह प्राचीन परंपराओं को, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, संस्कार हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको अक्षुण्ण रखने वाली कला भी इसको कहते हैं, उसको ये सहजते ही चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। लोक कला सदैव ही अपने परंपरागत विश्वासों, धारणाओं, आस्थाओं, रहस्यात्मक संकेतों और अतीत की प्रेरणा पर आधारित होती है। अब यहाँ यह समझना, ध्यान देना आवश्यक है कि लोक कला सदैव से ही अपने जो परंपराएं हैं, विश्वास है, धारणाएं हैं, जो समाज में या परिवार में चली आ रही है, आस्थाएं हैं और रहस्यात्मक संकेत की ओर अतीत की प्रेरणा पर आधारित होती है। इसका प्रादुर्भाव समाज के रीति रिवाजों पर आधारित रहता है। अतः इसका स्वरूप धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों, अतिथि आगमन, धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान, मनोरंजन के साधनों, जन्म, विवाह एवं मृत्यु, जन्म मरण परण, हमारे जो संस्कार हैं आदि संस्कारों तथा फसल के उत्सवों आदि में भी विकसित होता दिखाई देता है। तो अब भी जैसे क्या है, लोक कला के बारे में बताएं कि लोक कला क्या है, कि जो हमारे जनमानस है, गांव के जो लोग, ग्रामीण आवास है, ग्रामीण जनजीवन है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जनमानस हैं, तो उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो विश्वास हैं, प्लस उनकी जो धारणाएं चली आ रही है, उनके आपस में आस्थाएं हैं, किस चीज़ में आस्थाएं हैं, कोई संकेतों में, किसी गोले में, किसी चिन्ह में, उनके जो रहस्यात्मक संकेत हैं, साथ ही उनके जो अतीत
की जो प्रेरणा पर आधारित होती है और उनके जो रीति रिवाज हैं, रीति रिवाजों पर जो आधारित है, तथा धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, रीति रिवाज है, कोई मेहमान घर में आता है, धार्मिक कोई पूजा पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मनोरंजन के साधन या जन्म है, विवाह है, मृत्यु आदि संस्कारों, उसके अलावा जैसे फसल के उत्सव आदि में भी ये चीज़ें हमें जनमानस के अंदर अवतरित या उसमें चित्रों के रूप में हमें दिखाई देती है, लोक जो उनकी कला उसके रूप में। अब लोक कला की सौंदर्यात्मक अनुभूतियाँ, चेष्टाएँ, भावनाएँ, मनोवृत्तियाँ लोक जीवन के साथ घुली मिली रहती है। यह कला बिना किसी प्रलोभन, अब इस कला में खास बात क्या है कि यह कला बिना किसी प्रलोभन, कोई लोभ इसमें, लोभ लालच कुछ भी नहीं होता, बिना किसी प्रलोभन, आश्रय, संकेत अथवा शिक्षा के निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी पर परिवार में, समाज में जो एक जो आस्था है, आस्था के रूप में नई पीढ़ी को, उससे पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी को इस तरह से वो जनमानस से परिवार में सिखाते हैं, उनको एक दूसरे को देते हैं, बढ़ाते जाते हैं उसको। तो इसके कह सकते हैं जैसे घुली मिली साथ घुली मिली रहती, लोक जीवन के साथ घुली मिली रहती है ये कला बिना किसी प्रलोभन, आश्रय, संकेत, बिना किसी कोई आश्रय लिए, बिना कोई संकेत अथवा शिक्षा के निरंतर आगे बढ़ती रही है। जहाँ एक और इसमें बाल सुलभ सहजता है, तो वहीं दूसरी ओर आदिम समाज की सामाजिकता भी है। शास्त्रीय कला का गंभीर चिंतन इसमें नज़र नहीं आता, इसका सर्वांगीण विकास हमें घरेलू जीवन में ही मिल जाता है। तो ये जो कला है, इसकी जो खास बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के अंदर, समाज के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है। इसकी कोई अलग से शिक्षा, कोई अलग से दीक्षा, किसी को इसका कोई दबाव या प्रेशर नहीं होती, ये लोक जनमानस में होती है और परंपराओं के साथ, सिस्टम के साथ, जैसे बच्चों के नई पीढ़ी के साथ, पुरानी पीढ़ी के साथ में, उनमें ये सहजता से ये चीज़ें चलती जाती है। इसका ग्रामीण विकास हमें घरेलू जीवन में ही मिल जाता है। इस प्रकार लोक शब्द को प्रतिबिंबित करने वाली यह कला इसी मानव समूह की भावनाओं का सहज प्रतिरूप है, जो उसकी सौंदर्यानुभूति और मांगलिक भावनाओं के प्रतीक रूप में अभिव्यक्त होती रही है। लोकमानस के हृदय की सरलता व सुबोधता लोक कला के प्राण हैं। यानी कि जो लोक कला है, ये लोकमानस जो जनजीवन है, लोक मानस है, लोग हैं ग्रामीण जीवन के, सहज सरल और सुलभ लोग हैं, तो जो लोकमानस के उनके जो हृदय है की सरलता, जो समाज साधारणकरण है, सरलता है, बिना किसी कोई बनावट, बिना किसी किसी के उसके, तो उसके अंदर जो उनका जो लोकमानस है, जनजीवन है, ग्रामीण लोकमानस के हृदय की सरलता व सुबोधता लोक कला के प्राण हैं, इस कला के प्राण हैं, उनकी जो सरलता है, सामाजिकता है। लोक कला के सौंदर्य विधान को समाज के बहुसंख्यक लोग सहज श्वास की तरह ही स्वीकारते चलते हैं। लोक कलाएं प्रमुख रूप से स्थानीय ही होती है, स्थानीय परंपराओं की दृढ़ता के कारण इस कला को, इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रायतः या प्रमुखतया स्थानीय व आंचलिक ही होती है। अब जैसे इसके अंदर लोक कला के जो सौंदर्य विधान है कि समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, तो उनके सहज श्वास, मतलब उनके जो सहज दिनचर्या है, सिस्टम है, उसके अनुसार ही ये चीज़ें स्वीकारते हुए चलते रहते हैं, उनको समझते हुए, उनको देखते हुए और उस चीज़ों को अपनाते हुए चलते रहते हैं। और ये जो लोक कलाएँ प्रमुख रूप से स्थानीय ही होती है, हर एक एरिया के हिसाब से, हर एक जनजीवन के ग्रामीण के हिसाब से हैं, उनके क्षेत्र के हिसाब से हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो संस्कारों के हिसाब से हैं, तो ये कहना कि उनके स्थानीय ही होती है। और स्थानीय परंपराओं की दृढ़ता के कारण इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रमुखतया वहाँ की जो लोकल है, या वहाँ की जो प्रमुखता स्थानीय और आंचलिक ही होती है। ये लोक संस्कृति, लोक कलाकृतियाँ लोक सापेक्ष भी होती है, उसमें निहित भावनाएँ किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर समस्त समाज से, यानी कि जो संपूर्ण समाज है, उसका संपूर्ण जीवन है, लोकमानस है, तो ये लोक कलाकृतियाँ लोक सापेक्ष होती है, जनजीवन के लिए होती है। उसमें निहित भावनाएँ किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर बल्कि समस्त समाज से संबंधित होती है। और लोक कलाकार ऐसे
वातावरण में कार्य करता है जहाँ उसकी परंपराओं का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस समाज में, परिवार में हर एक व्यक्ति इन चीज़ों से परिचित होता है और ये कार्य चलता रहता है। तो वातावरण में कार्य करता है जहाँ उसकी परंपराओं का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लोक कलाओं पर बाह्य प्रभाव न के बराबर होते हैं। और इन लोक कलाओं में, मतलब जो बाहरी प्रभावों से कह सकते हैं, जब अदर कलाओं का या किसी चीज़ का उसका प्रभाव नहीं होता, ये बल्कि परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक दृष्टि से ये चीज़ चलती जाती है सहज रूप में। बाह्य कलाओं पर बाह्य प्रभाव नहीं के बराबर ही होते हैं, अतः ये कलाएँ अकृत्रिम ही बनी रहती है। इस कला में परिप्रेक्ष्य अथवा स्थानगत दूरी का कोई विचार नहीं किया जाता है और ना ही संयोजन की कोई विशेष निश्चित पद्धति होती है। लोक कलाओं के अभिप्राय बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं, तथापि ये कलाएं मात्र अनुकरण नहीं होती अपितु इसमें मौलिक शैलियाँ भी विकास पाती है। जहाँ मौलिकता के साथ साथ समाज में प्रचलित धारणाओं के, इसमें जो समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास है, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार लोक कला किसी माध्यम विशेष में भी बंधी हुई नहीं रहती है। कलाकार, लोक कलाकार आकृति, माध्यम तथा तकनीक की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वो अपने जो भाव हैं उनको अपने जो स्थानीय माध्यम से जो सामान मिलता है, सामग्री मिलती है, कलर है, ब्रश है, साधन है, जिसमें कली है, हिरमच है, गेरू है, जो भी उसको उपलब्ध साधन है, उनके द्वारा या उनके माध्यम से वो, मतलब किसी रूप में वो बंधी नहीं है, विशेष में बंधी नहीं रहती और अपनी कोई आकृति, माध्यम तथा तकनीक की दृष्टि से भी वह स्वतंत्र होती है। लोक कला को लोक गीतों के माध्यम से भी बहुत ही सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, क्योंकि लोक गीतों में लोक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं के बहुत ही स्पष्ट विवरण प्राप्त होते हैं। और 19वीं सदी में विद्वानों का ध्यान सर्वप्रथम मौखिक परंपरा से चले आते हुए लोक साहित्य की ओर गया और सन 1846 ईस्वी में विलियम जॉन थॉमस ने इस साहित्य को फोक लोर नाम दिया। तो इस प्रकार जैसे ये जो कला है परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और साथ ही जो लोकगीत हैं उनके माध्यम से भी इस कला को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, क्योंकि लोकगीतों में विश्वास, रीति रिवाज और परंपराओं के बहुत ही स्पष्ट विवरण प्राप्त होते हैं। और 19वीं सदी में जो बताया, जैसे विद्वानों का ध्यान सर्वप्रथम इसमें मौखिक परंपरा से चले आते हुए लोक साहित्य की ओर गया और 1846 में जैसे बताया विलियम जॉन थॉमस ने इस साहित्य को फोक लोर नाम दिया। धन्यवाद। अब इससे आगे हम इसके चर्चा करेंगे, इससे आगे वाला पार्ट अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।